आदमी को क्या देगा। बेटा ये लैपटॉप खराब हो रहा है फिर से, सब अजीब दिख रहा है थोड़ा। क्या अजीब दिख रहा है? ये फेसबुक पे सबकी पिक्चर रंग बिरंगी सी लग रही है, देखना तो क्या प्रॉब्लम है। रंग बिरंगी? अरे वो लैपटॉप खराब नहीं हुआ है, वो सब लोगों ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर्स कलरफुल कर रखी हैं। दे आर सपोर्टिंग, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं वो कुछ। ये मोदी सपोर्टर्स है क्या? नहीं 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 नहीं, वो तो बिल्कुल ही आयरॉनिक हो जाता। एक्चुअली दे आर सपोर्टिंग राइट्स। क्या राइट्स? ओ, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने गे मैरिज को लीगलाइज कर दिया है ना। ये गे क्या होता है? क्या नहीं, कौन होता है कुछ बता ना, कौन होते हैं? अरे मम्मी, जिनको अपने जैसे लोग पसंद होते हैं ना वो। अपने जैसे लोग तो सबको पसंद आते हैं, ये ऑपोजिट अट्रैक्ट सब बकवास होता है। देखो उस तरह नहीं, जैसे हाँ अभी आपको पापा पसंद है, अब मान लो आपको पापा की जगह वो कौन है वो जो 20 नंबर में रहती हैं, मंजू आंटी। हाँ अब आपको मंजू आंटी पसंद आ जाए तो उस सिचुएशन में आप दोनों गे। तो मंजू तो मुझे बहुत पसंद है। वैसे नहीं, मतलब कि मंजू आंटी से आपको शादी करनी पड़ जाए। मंजू से शादी? तो फिर तो बड़ा मजा आता। तुझे पता है बचपन में घर घर खेलते वक्त हम दोनों शादीशुदा ही बनते थे, मैं हस्बैंड वो वाइफ, बड़ा मजा आता था। देखो मम्मी ये वैसे सिचुएशन नहीं, मान लो ये हो आप और ये है मंजू आंटी और दोनों समझ रहे हो। ओए चुप है, ये गे है कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मतलब होता ही नहीं है? मतलब नहीं होता यहाँ इंडिया में तो नहीं होता। ये कोई हैलोवीन है उनका त्योहार है कि वहां बना लिया यहाँ नहीं होता। अरे सब बकवास है ये लेस्बियन वगैरह। हाँ लेस्बियन पता है मुझे, उस दिन मंगवाया था ना शवरमा वो लेस्बियन फूड जॉइंट से। अरे वो लेबनीज था, लेबनीज। हाँ और देखो पापा आप तो ये गे लेस्बियंस के बारे में ज्यादा बात मत करो, उनकी जिंदगी है, उनकी फ्रीडम है, उनके राइट्स है, उनको किसके साथ रहना है, किससे शादी करनी है, आपको क्या इससे? नहीं कुछ भी बोलेगा, कल को मैंने बोल दिया कि मुझे बस 10 साल के छोटे लड़के पसंद है तो शादी करने दोगे मुझे 9 साल के बच्चे से क्या? नहीं आपको तो 9 साल के बच्चे से शादी करनी है, पर कोई उस बच्चे से भी तो पूछे। कुछ भी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं पापा, पता है ये सब मैंने अगर फेसबुक पे डाल दिया ना तो कितना धमाल होगा, हैशटैग गंदे पापा। तुम लोग नहीं बताओगे ना तो मैं खुद ही गूगल कर लूंगी। नहीं 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 नहीं, आप अब गूगल करना, आप गूगल इमेजेस पे क्लिक कर दोगे तो कलेश हो जाएगा इधर। और तुझे बड़ी पड़ी है गे लोगों की तो कहीं तू। नहीं 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 नहीं, हाँ कैसी बातें कर रहे हो पक्का? अरे आप लोगों को पता तो है कि मैं 8 साल से रिलेशनशिप में हूँ, मतलब क्यों? अच्छा ऐसा क्या करता है तू रिलेशनशिप में? हाँ हमें तो लगा बस घूमने जाता है। हाँ तो बस घूमने ही जाता हूँ यार, मैं नहीं हूँ होमोसेक्सुअल, आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हो? और वैसे भी रिसर्च ये कहता है कि होमोफोबिक्स जिनको गे से डर लगता है ना वो खुद क्लोजेट गेज होते हैं। ये कैसी बकवास लॉजिक हुई? रिसर्च तो यही कहती है, तभी तो उनको गे से डर लगता है। अच्छा तुझे होमोफोबिक लोग बिल्कुल पसंद नहीं? नहीं, I think they are misinformed, regressive and stupid people. बिल्कुल पसंद नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तू एक बात बता, तेरी लॉजिक के हिसाब से अगर तुझे होमोफोबिक लोग इतने नापसंद हो फिर तो तू ही क्लोजेट होमोफोबिक नहीं हुआ? नहीं इसीलिए तो तुझे उनसे डर लगता है। और अगर तू क्लोजेट होमोफोबिक है फिर तो तू क्लोजेट क्लोजेट होमोसेक्सुअल ही है, बता। मतलब कुछ भी, हाँ हाँ हूँ मैं, मेरे दोस्त गे हैं, लेस्बियन है, मेरे दोस्त का मैं गे हूँ, मैं ट्रांसजेंडर हूँ, होमोसेक्सुअल हूँ, लेस्बियन हूँ, सब हूँ मैं, और मैं परेड में भी जाऊंगा। कहाँ रिपब्लिक डे परेड? हाँ